देखिए सर, फर्स्टली मैं ये कहूंगी कि स्वरा भास्कर इसमें होती कौन है, पंगे में पड़ने वाली। स्वरा भास्कर को अपना कोई मुद्दा नहीं दिखता, उनका खुद का कोई करियर नहीं है, उनका खुद का बॉलीवुड में करियर एकदम समाप्ति पे है। उनको कोई ना कोई पब्लिसिटी चाहिए, मतलब या तो मीडिया में आने के लिए या लोगों के सामने आने के लिए उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता। फिल्में नहीं है, सीरियल्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है उनके पास में। पैसे तक मिल जाए दो रोटी कमाने के लिए तो वो वही मुद्दा ढूंढती रहती हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ चमकने के लिए, कुछ ना कुछ दिखने के लिए। तो वो एक ऐसी लेडी है जो अपने अपने लंबे दांत निकाल के और ऊंची ऊंची हील डाल के आ जाती है शॉर्ट कपड़े पहन के न्यूडिटी फैलाने के लिए। वो सिर्फ एक ना स्टंट करती है कि भाई कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आए या सीए एनआरसी हो, ये सारे टॉपिक पे उसने ऐसे पुरजोर बयान दिए हैं जो कि बिल्कुल ही खिलाफत में थे इसके हिंदुओं के से लेके बीजेपी से लेके। वो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो अरेस्ट हुआ है मुनव्वर जो भी है वो उसका छोटा भाई रहा होगा, क्योंकि जब भी ऐसे बयान करती है मुझे ऐसा लगता है पूरी एक कहते ना मुस्लिम परिवार की ये बेटी रहे है। क्योंकि स्वरा भास्कर नाम से मुझे नहीं लगता भास्कर इसके अंदर कुछ है या स्वरा नाम की कुछ ऐसे शब्द इसके अंदर से निकलते हैं, क्योंकि स्वरा का जो डेफिनेशन में अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो भी बहुत अलग इसके रूप से और इसके नाम से बहुत ही डिफरेंस जाती है। इसका कैरेक्टर और इसके नाम में कहीं भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें इसके विपरीत हैं। ये लड़की ही विपरीत है, इसका कैरेक्टर कुछ नहीं है, जीरो है ये। देखिए बिल्कुल इनका एक ही मत होता है, जैसे मैं कहूँगी स्वरा भास्कर ने, एक तो ये लेडी तब आई थी जब सीए और एनआरसी का मुद्दा बहुत अपने मुहिम पर चढ़ा हुआ था, बहुत लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, ना इसमें रैलियाँ हो रही थी, नारे लग रहे थे, हिंदुस्तान के टुकड़े कर रहे थे लोग मिलके रैलियों में। तो वही स्वरा भास्कर को भी इस चीज़ के लिए पैसे पेमेंट की जाती है पीछे से, जहाँ से भी फंडिंग इसको होती है, इसको उन्हीं मुद्दों पर बोलना होता है जिसको जिसपे इसके जो आका बैठे हुए हैं, इनके जो इनका जो पीछे से कहते ना सपोर्ट करने वाले बैठे हुए, इनको बैकअप देने वाले बैठे होते हैं, उनको उन्हीं मुद्दों पर बोलने दिया जाता है जिसकी स्क्रिप्ट ऑलरेडी सेट होती है। इनको वही बोला जाता है, ये वही बोलती हैं, वही ट्वीट करती हैं जो इनको पीछे से लिख के भेजा जाता है या इनको बोला जाता है कि आपको यही मुद्दा उठाना है, यही इस पर बोलना है। और वैसे इस लेडी को कुछ नहीं आता, अगर आप देखें बॉलीवुड में कहीं किसी मूवी में ये नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो छोटे मोटे रोल के लिए मिलेगी। इस लेडी का काम यही है जनता को भड़काना और दो गुटों को आपस में भड़का के उनको उनमें लड़ाई कराना, यही इसको आता है और स्टार्टिंग से यही ये कर रही है। आप कहीं देखें कि सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालियान मर्डर केस हुआ या कोई भी बॉलीवुड में मर्डर केस होता है या कुछ भी ऐसा होता है, उसमें ये लेडी कभी आपको बोलती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन ऐसी चीजें जहां पे इसको नहीं बोलना चाहिए, जहां पे भड़काऊ भाषण इसको नहीं देना चाहिए, वहां पे ये आके अपनी टांग जरूर अड़ाती है जहां पे इसको नहीं करना चाहिए। देखिए सर, जैसे स्वरा भास्कर में अगर बोलूं कि स्वरा भास्कर जैसी लेडी या अमिताभ बच्चन जैसे महानायक, सदी के महानायक जिनको बोलते हैं, या अदर जो फिल्म स्टार हैं, कलाकार हैं, हीरो हीरोइंस हैं, आज तक किसी ने भी सुशांत एसएसआर के मर्डर केस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, कोई भी ना तो पक्ष में ना ही विपक्ष में। ये सारा बॉलीवुड गैंग एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, ठीक है। स्वरा भास्कर को अगर मैं बोलूं कि ये सीए एनआरसी पे तो बोलने बहुत जल्दी आ जाती है। अभी मुनव्वर की जो अरेस्टिंग हुई है, जो उनको मारा गया है, जो भी उनके साथ में हुआ है, उनके लिए फेवर में आके खड़ी हो गई हैं, बहुत अच्छे से बोल रही हैं, बहुत अच्छे से ये उसका विरोध भी कर रही हैं, बहुत अच्छे से इनको बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर इनसे बोला जाए कि मोहम्मद पैगंबर के बारे में आप एक कॉमेडियन शो करके रख के दिखा दें, तो मुझे नहीं लगता एक दिन भी ये जिंदा रहेंगी। तो अगर इनको बोला जाए कि आप इस मुसलमानों के उसमें विपरीत कुछ बोल के दिखाएं, या फिर आप कुरान के विपरीत कुछ बोल के दिखाएं, या फिर जैसे मुनव्वर ने अपनी कॉमेडियन शो में गोधरा कांड के बारे में, या मैं कहूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे हिंदू भगवान राम भगवान के बारे में, या भागवत गीता के बारे में बहुत सारी ऐसी कॉमेडी की है उन्होंने, जो कि अब जाके हमारे सामने आई है। और ऐसा शो था वो जहाँ पे 18+ अलाउड होते हैं, ऐसे शो के लिए परमिशन लेनी होती है, वो परमिशन विदाउट परमिशन शो कर रहे थे, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे उसके अंदर शो के अंदर इन्वॉल्व थे जिनको एंट्री भी नहीं मिलनी चाहिए ऐसे शो के अंदर। उनको कहते हैं गलत धारणाएं फैलाने वाला वो शो था, और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के धर्म के खिलाफ जो धर्म कहते हैं धर्म के विपरीत जाने वाले लोग हैं, धर्म भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं, उनको भड़काने के लिए ये शो किए जा रहे थे। ये कोई हास्यप्रद शो नहीं था, ये जनता को कहते हैं ना धार्मिक हिंसा फैलाने वाला शो था। तो ऐसे चीज़ों को बॉयकॉट करते हुए स्वरा भास्कर को भी समझना होगा कि आप किन मुद्दों पे बोलती हो। आप एक हीरो हीरोइन हो, आप एक हीरोइन हो, आप एक कहते ना नई युवा पीढ़ी के हो, आप जनरेशन को आप एक सबक सिखाती हो या सबक दे रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस तरह के कैरेक्टर पेश कर रहे हो जनता के सामने। बिल्कुल बॉलीवुड गैंग हमेशा ऐसी चीज़ों के साथ में समर्थन में खड़ा होता है जहाँ पे इनको नहीं खड़ा होना चाहिए। दीपिका हो या चाहे आप स्वरा भास्कर ले लो, चाहे मैं कहूँगी ये विद्या बालन ले लो, ये लोग सदी के महानायक
या सदी के महानायक की बीवी, इन सभी को ले लो, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे, मैं फिर दोबारा वही करूंगी, एक थाली के खाने वाले, एक थाली, उसी थाली में छेद करने वाले ये लोग हैं, उसी गैंग माफिया के दाऊद के चमचे हैं ये लोग, जो जहां पे इनको बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेंगे, उसके विपरीत जाके धर्म के विपक्ष में और धर्म पंथियों के विपक्ष में जाके, या फिर मैं कहूं अगर मुस्लिम पक्ष में, कहते ना पूरी बॉलीवुड गैंग ही एक मुस्लिम का ना पखाना है, उसको ना मुस्लिमों की एक गैंग बनी हुई है बॉलीवुड में, मुस्लिमों की चलती है, यहाँ पे मुस्लिम इंडस्ट्री है, यहाँ पे बॉलीवुड नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम इंडस्ट्री इसको बोला जाना चाहिए। ये लोग हमेशा ही हमारी अगेंस्ट, आतंकवाद के अगेंस्ट नहीं होकर आतंकवाद के फेवर में ये लोग बोलते हैं, आतंकवाद के फेवर में सदी के महानायक उतरते हैं, मे बी शायद उनकी फंडिंग होती है, उनका खाना भी वही खाते हैं, आतंकवाद का खाना ये लोग खाते हैं, अगर ये पीते हैं तो आतंकवाद की पीते हैं, ड्रग्स का नशा लेते हैं, आतंकवाद का लेते हैं, तो जहां से अगर पनपा जाता है ना कुछ भी ऐसा, कुछ भी अगर मैं कहूँ कि आतंकवादी गतिविधि अगर पनपती है तो बॉलीवुड से पनपती है, फिल्मों को देख देख के हमारी जनता सीखती है कि कैसे रॉबरीज होंगी, कैसे बैंक लूटे जाएंगे, कैसे चीजें होंगी, कैसे डकैती डली, कैसे रेप होंगे, तो वही बॉलीवुड सिखाता है और बॉलीवुड इन चीजों को करता है, तभी ये चीजें जन्म लेती हैं।